प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी के रिज पर पीएम पहले एक रोड शो करेंगे, इसके बाद वह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से वे देश को भी साथ में संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सुबह 7 बजे से ही लोग शिमला पहुंचने लगे हैं। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए ड्रॉपिंग पॉइंट से लोग पैदल चलकर रिज पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि रिज पर भीड़ जुटने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 8 साल जश्न समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। वह सुबह 10:30 बजे यहां पहुंचेंगे। शिमला पहुंचने पर CTO से ऐतिहासिक रिज मैदान तक रोड शो होगा। इसमें हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए उनका शिमला पधारने पर स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 2 घंटे तक शिमला में बिताएंगे। इस दौरान शिमला पूरी तरीके से सील रहेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनकी सेफ्टी के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। सुरक्षा की दृष्टि से रैली स्थल पर पहुंचने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही रैली स्थल पर आने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।